बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आवर यूनियन सिलेबस मैथमेटिक्स बुक्स D2 रिलेशंस एंड फंक्शंस हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, जो आपके पास फंक्शन जी है 2x, और एक्स की आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो 7x+4 है। यानी एक्स की जगह पर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो हमें जो इमेज है इस फंक्शन का वो पता चल जाएगा। ठीक है, हम डिटेल से ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन को हम रीड किस तरह से करेंगे, वैल्यू ऑफ जी एट 2 हमारे पास क्या होगी अगर वैल्यू ऑफ जी एट एक्स हमारे पास है 7x+4। तो सिंपली हमने क्या करना है, एक्स की जगह पर हम जो वैल्यू हमें दी हुई है सिंपली हम ये रखते चले जाएंगे। तो मेरे पास यहां पर एक्स कहां पर मौजूद है, यहां पर मौजूद है 2 के साथ 7 के साथ, तो मैं यहां पर 2 रखूंगी और सिंपली इसको 4 के साथ ऐड कर दूंगी। हमें कुछ और नहीं करना, जहां पर एक्स की वैल्यू दी हुई है वहां पर हम जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख देंगे। यानी कि हमें उस वैल्यू का फंक्शन कैलकुलेट करना है और उसके बाद सिंपली जैसे कि हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 14+4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको ये कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन जी एट 2 इज इक्वल्स टू 18 इफ द वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इज इक्वल्स टू 7x+4। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ होता है। तो हम यहां से क्या करते हैं कि डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं यानी डोमेन के अंदर जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनके हम इमेजेस निकाल लेते हैं उसकी रेंज में से। ठीक है, तो ये 2-3 टर्म्स अगर आपको याद रहेंगी तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जी एट -3 क्या होगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं और यहां पर हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जी एट 4/7 हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अगेन यहां पर क्या करेंगे कि हम यहां पर 4/7 लिख के और उसके बाद 7x+4 के अंदर उसको डाल देंगे। तो x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम सिंपली जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है ये हम यहां पर रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये यहां पर जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये बच गया हमारे पास 4+4 दैट इज 8। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन जी एट 4/7 क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, हमारे पास वैल्यू आ गई है 8। यानी हमारा इमेज होगा 8 अगर हमारे पास फंक्शन 4/7 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स एक ही डोमेन के दो अलग अलग फंक्शंस दे दिए और हमसे कहा है कि अगर फंक्शन ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास 0 हो और दूसरी जगह पर -1 हो तो इन दोनों का सम क्या होगा। तो कोई मसला नहीं है, हम इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके और इनके सम को यहां पर जो है वो निकाल देंगे। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, हम यहां पर क्या करेंगे कि हम बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब यहां पर 7x+4 एक दफा लिखेंगे और यहां पर हमारे पास जो पहली x की वैल्यू है पहले वो आएगी। ठीक है, इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर दें, फिर प्लस का साइन लगाएं और दोबारा आपने इसी को लिखना है और इस मर्तबा जो आपने वैल्यू लिखनी है वो दूसरी वाली लिखनी है और इसको भी आपने इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर देना है। तो ये देखिए आपके पास यहां पर ये इस तरह से आ जाएगा और इसके बाद आपने इसको बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर लेना है जिस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है +4। ठीक है, और दूसरी जगह पर -7+4। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 और -7+4 आंसर आएगा -3, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और आंसर लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस जमा हो गए हैं दोनों का सम निकालना है तो उसको इस तरह से कैलकुलेट कर लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 5 के अंदर भी करना है स्टूडेंट्स, यहां पर भी हमारे पास अगेन दो फंक्शंस आ गए हैं और इस मतलब हमें डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है। तो हम यहां पर यही करेंगे कि दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग जो है वो डील करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर पहली वैल्यू है 1/7 और उसके बाद दूसरी जो वैल्यू है फंक्शन की वो -1/7 है। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, पहले इसको पूरा लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन के लिए, तो यहां पर हमारे पास 1/7 आ जाएगा और +4 और इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर देंगे, उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन है, फिर दूसरा फंक्शन जो है हम उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखेंगे लेकिन इस मरतबा जो एक्स की वैल्यू आएगी वो -1/7 आएगी और फिर उसके बाद हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इस तरह से एनक्लोज कर देंगे और अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो 7 7 से कट हो रहा है, यहां पर भी 7 7 से कट हो रहा है, तो ये बच गया हमारे पास 1+4 5, फिर माइनस का साइन है और यहां पर हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट्स, -1+4 +5
3, ठीक है। तो ये हमने कहा जब प्लस 3 है तो एज इट इज बाहर आ गया, 5 माइनस 3 आंसर आ गया 2। यानी कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस जमा हो जाएं, तो दोनों की अगर अलग अलग वैल्यूज की बात करें तो एक हमारे पास 5 आया है और दूसरा हमारे पास 3 आया है। माइनस साइन की तरफ मत जाइएगा क्योंकि माइनस ये हमारे पास दोनों का डिफरेंस का माइनस है, ठीक है। इसका हमारे पास जो आंसर आया था माइनस 1 प्लस 4 तो वो पॉजिटिव 3 था। यानी अगर अलग अलग फंक्शंस की बात करूं तो उनके इमेजेस मेरे पास अलग अलग हैं, 5 और 3। और उसके बाद फिर इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हमें अलग अलग नहीं बताना, हमें इन दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, यानी इन दोनों के इमेजेस का आपस में डिफरेंस क्या होगा। तो हमने कहा कि वो हमारे पास 2 कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।